बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये चैप्टर भी ईडीसी चैप्टर नंबर 2 से है, मिस्टर बॉलस्टेड बुक और क्लिपर्स के बारे में क्वेश्चन है, एंड चैप्टर क्वेश्चन 35। और इसके लिए भी एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है, स्पेशली इसके पार्ट बी के लिए फरमाइश ज़्यादा है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें वी आउट मालूम करना है, ये वी इन गिवन है। अब ये दो ए और बी दो सर्किट्स हैं, तो इन दोनों केस में हमें वी आउट मालूम करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम पार्ट ए को ले लेते हैं, और हम पहले पॉजिटिव हाफ को ले लेंगे। जब हम पॉजिटिव हाफ को लेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा और यहाँ पे नेगेटिव, और 8 वोल्ट अब यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो जहाँ पे पॉजिटिव अगर डायोड के पॉजिटिव के साथ टच करें तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाए। तो इसका मतलब है ये फॉरवर्ड बायस सर्किट है, और डायोड को हम एक इक्विवेलेंट 0.7 वोल्ट रेजिस्टेंस से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको हमने 0.7 वोल्ट से रिप्लेस कर। अब आउटपुट वोल्टेज यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो वोल्टेज ये है टोटल, यही आउटपुट वोल्टेज है। और ये वोल्टेज है, आप दो तरीके से, एक तो डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं कि 4.7, या आप चाहें तो इसको बाई KVL निकाल सकते हैं। तो कोई, ताकि कोई डाउट ना रहे, हम KVL लेके चलेंगे। यहाँ से हो गया -4, उसके बाद आप देखिए ये भी -7 है, यहाँ साइन इसका मैं हो गया। तो -7 -0.7 और प्लस V0, तो यहाँ से V0 आ जाएगा 4.7 वोल्ट। अब इसको आप प्लॉट कर सकते हैं इजीली, और उसका तरीका ये है कि जो इनपुट सिग्नल है उसको हम 4.7 वोल्ट पे एक इसको कट कर दें, क्लिप कर दें, और जो ये ऊपर वाला फालतू पोर्शन है उसको हम निकाल दें। तो ये हमारा आ गया आउटपुट फॉर द फर्स्ट हाफ। अब इसी तरह हम आ जाते हैं सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ में अभी साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये डायोड अब देखें ये रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इज टचिंग द पॉजिटिव ऑफ द, तो रिवर्स बायस होने की वजह से ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ये ओपन सर्किट हो गया। जब ओपन सर्किट हो जाए तो हमें पता है कि जो भी इनपुट वोल्टेज है वही आउटपुट पे आ जाएगा। इनपुट क्या है, -8, तो आउटपुट पे भी -8 वोल्ट जो है नहीं आ गया। अब इन दोनों को हम ऐड करके हमें फाइनल रिजल्ट हमारा मिल जाएगा। ये पॉजिटिव हाफ का था और ये नेगेटिव हाफ, तो ये हमारा फाइनल आंसर। और ये सॉल्यूशन मैनुअल में भी कुछ इसी तरह ही उसने किया। अब आ जाते हैं हम पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था, इसमें भी आप देखेंगे हम पॉजिटिव हाफ को पहले ले रहे हैं, पॉजिटिव हाफ हमने ले लिया, और पॉजिटिव हाफ की वजह से ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है इसके वजह। तो डायोड को हम रिप्लेस कर देंगे विद 0.7। अब यहाँ पे भी आउटपुट के अक्रॉस देखिए सिर्फ 0.7 वोल्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्टली 0.7 वोल्ट। और उसका भी तरीका यही है कि ये इस सिग्नल को हम 0.7 वोल्ट पे कट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से आ गया, ये हमारा आउटपुट हो गया फॉर द पॉजिटिव हाफ। अब आ जाते हैं हम नेगेटिव हाफ पे। नेगेटिव हाफ में साइन चेंज हो गया, और अब इसके वजह से ये डायोड जो है वो रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस में हम इसको ओपन कर देते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है स्टूडेंट्स को डाउट हो कि हम आउटपुट क्या लिखेंगे, आउटपुट -8 लिखेंगे या कुछ और। ये चीज़ मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ देखिए जो पिछले सवाल में हमने किया था, ये -8 था, ये ओपन हो गया, तो इस -8 को ही हम यहाँ पर ले कर चले आउटपुट। लेकिन यहाँ पे जो है वो इनपुट सिर्फ ये नहीं है, बल्कि ये भी इनपुट में शामिल है। यहाँ पे भी एक बैटरी है, तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप KVL लिख लें। वैसे तो अगर आपको इस चीज़ की समझ है तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं कि 8 और ये 3 11, तो -11 होना चाहिए। लेकिन बेस्ट है कि हम KVL लिखें। हम यहाँ से चलते हैं +8, उसके बाद क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रही है तो इसमें कोई ड्रॉप नहीं है, 0 हो गया, +3 वोल्ट और +V0। तो यहाँ से
वी जीरो आ गया माइनस इलेवन वोल्ट, माइनस इलेवन वोल्ट हमें चाहिए। अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे? देखिए ये तो जीरो से लेके माइनस एट है, तो इसको हम पुल करेंगे नीचे, नीचे लेकर आ गया माइनस थ्री, तो अब ये माइनस एट और माइनस थ्री ये मिला के माइनस इलेवन हो जाएगा। अब इसको ज़रा नीट करने के लिए हम इसको भी फिल कर देंगे विद द ब्लू कलर जो किसने ये हुआ है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा जो आउटपुट है फॉर दी नेगेटिव हाफ साइकिल। और ये हमें याद है कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पिछले साइड में हमने 0.7 लिखा था। अब इन दोनों को ऐड करके हमारा नेट आउटपुट आ जाएगा, इन दोनों को इसको इसके ऊपर ला के हमने ऐड कर दिया, तो ये नेट आउटपुट हमारा। और सॉल्यूशन मैनुअल में भी तकरीबन इसी तरह ही उसने किया है, ऑल्दो हमने यहाँ माइनस थ्री बैटरी लिया, शायद उसके सवाल में ये माइनस फोर हो, तो माइनस फोर के साथ उसने इस तरह ड्रॉ किया, तो ये माइनस ट्वेल्व हो गया इंस्टेड ऑफ इलेवन। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पा रहे होंगे। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि अगर कोई करेक्शन हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो मैं उसको रिकरेक्ट कर सकूँ अपने वीडियो में, बल्कि इसी वीडियो को दोबारा मैं बना सकूँ। ठीक है।